हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये हमारी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसकी ये हमारी सीरीज़ है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारी क्लास थर्ड है, ठीक है, और ये लाइव क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास आपको समझ में आई होगी, और पिछली क्लास में जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनको आप ज़रूर देखिए, इससे क्या आपकी मदद होगी, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा। इसलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपकी मदद करेंगे आरआरबी जेई, एसएससी जेई, गेट, ईएसई, सभी में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल जुनून क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिसमें कि हमारी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इन रेड वुड विस्कोमीटर, इसकी मदद से हम क्या करते हैं। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी इज डिटरमाइंड, पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द फ्लूइड इज यूटिलाइज्ड इन अपकमिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड डिस्चार्ज थ्रू द ऑरिफिस विद नेग्लिजिबल विस्कोसिटी, और कंपैरिजन ऑफ विस्कोसिटी इज डन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी इज डिटरमाइंड। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी लिक्विड जिसकी कि हमें विस्कोसिटी पता करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी विस्कोसिटी को जो भी हमारे पास लिक्विड है उसकी नॉन विस्कोसिटी से कंपेयर करते हैं, तो हमको उसकी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी पता चल जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ रोटामीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर, इससे हम क्या मेजर करते हैं, विस्कोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड इन द पाइप, वेलोसिटी ऑफ गेजेस, वर्टेक्स फ्लो, और फ्लो ऑफ फ्लूड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लूइड्स फ्लो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऐसा, मैं कैसे बनाऊंगा इसको, मैं कुछ इस तरह बनाना चाहूँगा, हाँ ये कुछ इस तरह के बेयरिंग एरिया का होता है, और यहाँ पर हम एक रोटामीटर लगा देते हैं, मतलब ये पूरा ही रोटामीटर कह लेता है, लेकिन जैसे जैसे इधर से फ्लूइड का फ्लो होता है और इधर जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसे हम करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ऑफ लिक्विड और गैसेस का भी फ्लो इससे हम मेजर करते हैं। वो किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम पर सेकेंड। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि रोटामीटर होता है डिवाइस जिससे कि हम किसको मेजर करते हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी फ्लो अकर्स व्हेन, स्टडी फ्लो हम कब फ्लो को बोलेंगे। यहाँ पर दिया हुआ प्रेशर डज नॉट चेंज अलोंग द फ्लो, ये हो सकता है क्या, वेलोसिटी डज नॉट चेंज, ये भी हो सकता है क्या, कंडीशन चेंज ग्रेजुअली विद टाइम, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें एक और चीज़ दी हुई है, कंडीशन डू नॉट चेंज विद टाइम एट एनी पॉइंट, यानी कि ये प्रेशर भी चेंज नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होना चाहिए। स्टडी फ्लो का मतलब ये नहीं रहता कि हर जगह पर फ्लो है उसकी वैल्यू बराबर रहनी चाहिए। यहाँ पर माना कि प्रेशर कुछ और है और यहाँ पर प्रेशर कुछ और है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर जितना प्रेशर है, माना कि यहाँ पर प्रेशर है 2 bar, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर प्रेशर परमानेंटली 2 bar ही रहना चाहिए, और यहाँ पर प्रेशर है 1 bar, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चाहे जितना टाइम आपका निकल जाए, प्रेशर यहाँ पर 1 bar ही रहना चाहिए। तो इसका मतलब रहता है कि आपका प्रेशर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंडीशंस Do not change with time at any point. उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूड अटेंड सच वेलोसिटीज दैट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज फ्रॉम इंस्टेंट द फ्लो इज। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है फ्लूड का जो क्या करता है, सच वेलोसिटीज दैस दैट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि वो वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, किसमें, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में भी, एज वेल एज फ्रॉम द इंस्टेंस द फ्लो इज। अब देखिए यूनिफॉर्म फ्लो क्या रहता है, माना कि इस फ्लो के अंदर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वही क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप का है यहाँ पर भी होगा, यानी कि फ्लो है वो यूनिफॉर्म है। स्टडी फ्लो का मतलब क्या रहता है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर जितना फ्लो है वो मेंटेन रहना चाहिए चाहे टाइम कितना ही निकल जाए, और यहाँ पर जितना फ्लो है वो भी मेंटेन रहना चाहिए चाहे टाइम कितना ही निकल जाए। अब आप बोलेंगे यूनिफॉर्म और स्टेडी फ्लो तो एक ही हो गया, तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह का पाइप ले लेते हैं,
ठीक है, ये बैरिक क्रॉस सेक्शन एरिया का है। स्टेडी फ्लो का मतलब ये है कि देखिए अब ये फ्लो यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, आपकी वेलोसिटी कम होगी और यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जबकि इस पाइप में क्या रहेगा, वेलोसिटी बराबर रहने वाली, यानी कि फ्लो यूनिफॉर्म रहने वाला है। स्टडी फ्लो का मतलब ये है कि यदि हम पॉइंट वन पर बैठ जाएं और कितना ही टाइम निकल जाए, यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है वो सेम रहना चाहिए, और पॉइंट टू पर बैठ जाएं चाहे कितना ही टाइम निकल जाए, फ्लो सेम रहना चाहिए, ये कहलाता है स्टडी फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो मतलब रहता है कि जो पार्टिकल हैं फ्लूड के वो बिल्कुल एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बिल्कुल ऐसे फ्लो करती रहें, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड यानी कि उसका रिजल्टेंट, यानी कि माना कि ये है 2 मीटर पर सेकेंड, से चेंज वेलोसिटी है फिर हो जाती 4 मीटर पर सेकेंड, ये भी चेंज हो रही है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले इधर जा रहा था, इस पाइप में इधर इधर कर दूंगा तो ये फ्लो तो यूनिफॉर्म रहेगा लेकिन इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए बेस्ट केस क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। ये सारी कंडीशन आपकी फुलफिल कर रहा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लो अकरिंग इन अ पाइपलाइन व्हेन द वैल्यू इज बीइंग ओपनड इज। यहाँ पर ओपन का मतलब क्या है, यहाँ पर उनके कहने का मतलब ये है कि जो भी फ्लो हो रहा है ना, पहले स्टडी रहेगा उसके बाद क्या हो जाएगा, अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको ये कैसे होगा। देखिए क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है कि जो पाइप है, पाइप में माना कि फ्लो हो रहा है, आपका कैसा हो रहा है, स्टडी फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर एक बाल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ प्रेशर से ये फ्लूड फ्लो हो रहा है। जब मैं इस बाल को ओपन करता हूँ, इसमें लिखा हुआ ना व्हेन द बाल्ब इज बीइंग ओपन्ड, तो अब इसमें तो स्टडी फ्लो है लेकिन जैसे ही ये एटमोसफियर में जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। एटमोसफियर में तो कोई पाइप नहीं लगा हुआ है तो ये फ्लो कैसे हो जाएगा, स्टडी से क्या हो जाएगा, अनस्टडी। तो हम पाइप में तो इसके ये बोल रहा है कि बाल्ब के आगे फ्लो कैसा रहेगा, बाल्ब के आगे तो अनस्टडी फ्लो रहने वाला है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर मेजरिंग फ्लो ऑफ बेंचुरी मीटर इट शुड बी इंस्टॉल्ड इन वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लाइन लाइन विथ अपवर्ड फ्लो इन एनी डायरेक्शन एंड एनी लोकेशन। अब देखिए जहाँ पर भी बेंचुरी मीटर आ जाए, मैं आपको बता देता हूँ एक टर्म आपको याद रखना है, बेंचुरी मीटर, चाहे आप इसको वर्टिकल इंस्टॉल कर दीजिए, चाहे हॉरिजॉन्टल इंस्टॉल कर दीजिए, चाहे इंक्लाइन इंस्टॉल कर दीजिए, तो ये हमेशा सेम फ्लो ही बताने वाला है, यानी कि इन एनी डायरेक्शन एंड एनी लोकेशन पर इसको इंस्टॉल कर दीजिए, इसका क्या डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही आप इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या आपको जो मेंचुरी मीटर है वो चाहे कैसे भी इंस्टॉल कर दीजिए, जो आपका रीडिंग आने वाली है वो इसमें सेम आने वाली है। तो अब से आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वेंचुरी मीटर होता है उसको आप किसी भी डायरेक्शन में इंस्टॉल कर दीजिए, वो रीडिंग सेम देने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन एनी डायरेक्शन इन एनी लोकेशन, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ स्ट्रीम लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस फ्लो। नेक्स्ट क्या है, पैरेलल टू द आउटर सरफेस ऑफ द पाइप, और अगला क्या है, ऑफ इक्वल वेलोसिटीज इन द फ्लो, और अगला है अलोंग द प्रेशर ड्रॉप इज यूनिफॉर्म। अब जनरली होता क्या है, हम स्ट्रीम लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, माने कि इस पाइप में फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये फ्लो हो रहा है इस पाइप के अंदर, ये ऐसा फ्लो हो रहा है। अब ये लाइन है ना स्ट्रीम लाइन कहलाएगी, इसके अलोंग एक टेंजेंट में आप लाइन ड्रॉ करिए तो उससे आपको पता चलेगा, उससे आपको पता चलेगी वेलोसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रीम लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन ऑफ इक्वल वेलोसिटीज इन द फ्लो, यानी कि इस लाइन के अलोंग जो भी वेलोसिटी रहने वाली है वो सेम रहने वाली है। तो स्ट्रीम लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन ऑफ इक्वल वेलोसिटी इन द फ्लो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द पर्पस ऑफ द सर्ज टैंक इन अ पाइप लाइन इज टू। अब सर्ज टैंक होता क्या है, ऐसे कि आपका डैम बनाया आपने, ये डैम का कंस्ट्रक्शन किया, अब यहाँ से टर्बाइन को चलाने के लिए आप क्या करते हैं, एक पाइप लाइन लेके आते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका वाटर यहाँ पर तो है ही, इसके साथ आप यहाँ पर भी एक टैंक बनाते हैं, कहाँ, टरबाइन के पास में। जब होता क्या है, आपका टरबाइन आपको बंद करना रहता है तो आप क्या करेंगे, इस बाल को बंद करेंगे,
तो उस वजह से क्या होगा, एक वाटर हैमर आता है, यानी कि ये पानी इस जो बॉल है, बॉल्ब लगा हुआ है, उस पर प्रेशर मारेगा, उसके साथ ही बैक प्रेशर जाएगा, तो बैक प्रेशर इस लाइन में जाएगा, तो चांसेस हैं कि ये जो पाइपलाइन है वो फट सकती है। तो उस प्रेशर, जो भी आपका बैक प्रेशर आएगा, उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर, सर्ज टैंक। क्योंकि ये लाइन बहुत लंबी होती है, 3-4 किलोमीटर लंबी भी हो सकती है और ज़्यादा भी लंबी होती है, तो उस वाटर को इधर सप्लाई कर देगा, यानी कि ये प्रेशर, ये जो टैंक है ये प्रेशर को झेल जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, पाइपलाइन काफ़ी लंबी रहती है, अब आपको क्या हुआ यहाँ पर टरबाइन पर, यानी कि आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई है, तो इस केस में क्या करना रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक पानी को ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस केस में क्या होता है, हम जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं, यानी कि नोजल को खोलेंगे, सॉरी बाल्ब को खोलेंगे, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ का पानी हम यूटिलाइज कर लेते हैं, यानी कि क्या कर देता है ये, कंपनसेट फ्रिक्शन लॉसेस इन द पाइप। यदि आपको दो ऑप्शन हैं आपको चूज़ करने के लिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंपनसेट फ्रिक्शन लॉसेस इन द पाइप, और दूसरा क्या हो जाएगा, रिलीफ प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर। ये इसके दो सही आंसर हो जाएंगे। लेकिन अब आपको जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनमें तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व सही करना रहता है, तो इसके लिए ज़्यादा सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, रिलीफ प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर, इसको लगाना है आपको। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूड ऑन अ फ्लोटिंग बॉडी, यानी कि माना कि ये कोई फ्लोटिंग बॉडी है, इस पर कोई अपवर्ड फोर्स लग रहा है, यानी कि ऊपर की दिशा में एक फोर्स लग रहा है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू। अब देखिए ये जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन होगी ये बायंसी की डेफिनेशन, यही बायंसी की डेफिनेशन होती है, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर फोर्स, यानी कि एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, ऑफ द फ्लूड ऑन आ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, यानी कि ये बॉडी जितने भी फ्लूड के वेट, जितने यानी कि जो वेट है फ्लूड का उसको डिस्प्लेस कर रही है, उसके बराबर होता है, तो ये क्या कहलाता है, बायंसी। सिंपल था ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए उसी से मिलता हुआ एक और क्वेश्चन आ गया, अ बलून लिफ्टिंग इन द एयर फॉलोज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में तो नीचे आएगा, आर्कमिडीज का प्रिंसिपल क्या है, आर्कमिडीज के प्रिंसिपल के अनुसार एक साइड आप, यदि आपके पास जो एरिया ज़्यादा है तो उस केस में आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा और आपकी हैवी जो बॉडी है वो लिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड में इक्वल प्रेशर लगता है सभी डायरेक्शन में। यदि लिक्विड आपका स्थिर है, यानी कि किस स्टेट में है, एक ठहरी हुई अवस्था में है, तो उस केस में क्या लगेगा, हर डायरेक्शन में इक्वल उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है ना, उस पर इक्वल फोर्स लगेगा। तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ बायंसी, हाँ ये वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। इसके अलावा लास्ट जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये होगा कैसे। देखिए अब ये होता कैसा है, अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, माना कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये बना हुआ है वुड का, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है वो बना हुआ है किसका, आयरन का, लोहे का बना हुआ है, ये लकड़ी का बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसके वेट को और जो भी हमारे पास लिक्विड है उसके वेट को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, यानी कि ये बॉडी जो भी फ्लूड है उसको कितने फ्लूड को डिस्प्लेस कर रही है, तो उससे पता चलता है हमको कि ये बॉडी फ्लोट करेगी या सिंक कर जाएगी। इसीलिए यदि सिंक करती है तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होगा, यदि फ्लोट करती है तो प्रिंसिपल ऑफ बायंसी अप्लाई होगा, और लिक्विड तो आपका कैसा है, जो भी लिक्विड है आपका वो ठहरी हुई अवस्था में, तो ये वाला प्रिंसिपल भी अप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40D। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये हमारी तीसरी क्लास थी और इसमें जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो कम हमने कहाँ से शुरू किए थे, 31 से। इसके पहले भी मैं दो और क्लास ले चुका हूँ तो उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारा यही प्रयास है कि
कि हम एक स्टेप लें ब्राइट फ्यूचर के ऊपर। इसलिए हमने हमारे चैनल की टैगलाइन बनाई है, जुनून क्लासेस टूवर्ड्स ब्राइट फ्यूचर, एक कदम बेहतर भविष्य की ओर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।